आज मैं जिस जगह पर हूं, हिंदुस्तान के कोने कोने से या यूं कहिए कि पूरी दुनिया से इस महत्वपूर्ण जगह को देखने के लिए लोग रोज आते हैं। पता नहीं कितने लोग आते हैं, कितने लोग इस पावन भूमि का, ऐतिहासिक भूमि का, धार्मिक भूमि का दर्शन करके अपने आह्लादित होते हैं और जाकर के अपने लोगों के बीच में इसका वर्णन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं भी आज कश्मीर के परिमहल में हूं। आप पता नहीं किसके भाग्य से कौन कहां जाता है। हम समझते हैं कि हमारे मित्रों में से, हमारे श्रोताओं में से, हमारे साथियों में से किसी की भाग्य हमारे में जुड़ गई होगी, जिसके वजह से हमें समय मिला। आज 23 जुलाई है और 23 जुलाई को मैं धरती के स्वर्ग, भारत के स्वर्ग या जन्नते कश्मीर में आज आप लोगों के सामने हूं। और चूंकि आपने इस धरती पर इस उम्र तक हमें विरह में भी देखा और सहयोग किया, राजनीति में एमएलसी के रूप में भी देखा और सहयोग किया, मेरा फर्ज बनता है विरह के गायक होने के नाते, समाज सेवक होने के नाते एक छोटा सा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जब आपने हमें साथ दिया तो मैं भी आपका साथ दूं। और आज जिस नजारे को मैं देख रहा हूं, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं तक, हमारे भाइयों तक और हमारे उन लोगों तक जो यहां नहीं आ सकते, हम तो कुदरत से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी साथी, हमारे सभी दोस्त मित्र कार्यकर्ता और सभी लोग यहां पर इस ऐतिहासिक भूमि को देखने आए। और जो न आ पाए हों, मैं चाहता हूं कि काशीनाथ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस दृश्य को देखें। हम समझते हैं कि यह दृश्य को देख करके आपको लगेगा कि हम इस धरती से कहीं अलग आ गए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इस पर कमेंट भी करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में अगर समय मिले तो आप भी यहां की यात्रा करेंगे। अभी मैं 29 जुलाई तक कश्मीर के अंदर रहूंगा। श्रीनगर से अलग सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, पहलगांव है, इन सारी जगहों पर जाऊंगा और हर जगह का दर्शन आप लोगों को कराऊंगा। घर बैठे बैठे मैं सोचता हूं कि आप हमें आशीर्वाद देंगे। हम आपका प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।